लोग सोच रहे होंगे ना कि आज मैं इस चाय के कप के साथ क्या कर रही हूँ। यूजुअली क्या होता है, जब भी हमें से चाय पीने की इच्छा होती है तो हमें कुछ चटपटा सा खाने का मन भी करता है, क्योंकि खाली चाय तो अच्छी नहीं लगती है ना, या तो बिस्किट्स या कुछ और या कुछ और। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही क्विक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो है मसाला मटरी की। तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फटाफट से इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये हमने लिया है एक कटोरी मैदा, एक से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये हमने लिया है कसूरी मेथी, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा पसंद है तो मैंने ज़्यादा डाला है, आपको ज़्यादा पसंद ना हो तो आप कम भी कर सकते हो। ये हमने लिए लाल मिर्च, ये है थोड़ी सी सौंफ, ये है गरम मसाला, ये थोड़ी सी काली मिर्च, ये हमने थोड़ी सूजी दी है जिससे थोड़ा खस्तापन और कुरकुरापन ज़्यादा आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ना डालें। ये हमने लिया अजवाइन और ये स्वाद अनुसार नमक। अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। डालेंगे थोड़ी अजवाइन, डालेंगे इसमें थोड़ी सी क्रश करके कसूरी मेथी, के अंदर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला जो हमने लिया है, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा जो स्वाद अनुसार नमक है वो डाल देंगे इसके अंदर, सौंफ और लाल मिर्च। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने ये सारा कुछ जो है मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मोयन जो ऑयल होता है जिससे सॉफ्ट होती है वो डालते हैं। ये मैंने डाला है, मैं एक बार से अब मिक्स करके देखती हूँ कि बंद रही है क्या। ये देखिए, इसमें हमने सारा ऑयल मिक्स कर दिया है और इस तरह से बांध के देखेंगे तो इसकी एक मुट्ठी बन रही है। इसकी मुट्ठी बन रही है मतलब इसका मोयन ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे आटे की तरह गूंथ लेंगे। ये हमने गूंथ के आटा तैयार कर दिया है। इस आटे को अब हम थोड़ी देर रख देंगे गीले कपड़े से ढक के, और उसके बाद हम मठड़ी बनाएंगे। हमने ये सारी मठड़ियाँ इस तरह बेल के रख ली है और अब हम इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम एक एक मठड़ी इसके अंदर डालते जाएंगे। ये मठड़ी हमने डाल दी है, अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकने देंगे। देखिए, हमारे नमक पारे या हमारी मठड़ी एकदम तैयार है।